में क्या रहता है कि पेशेंट्स आर कमिंग टू अस कि हाँ कि मुझे हमारे पास क्यों आएंगे पेशेंट, कि उनको कहीं ना कहीं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तब आएंगे, अदरवाइज इरेगुलर पीरियड्स होंगे तो आएंगे, या पेन होगी तब आएंगे. तो फाइब्रॉइड में क्या रहता है कि सो मेनी टाइम्स पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, उसको कहीं कुछ ना कुछ और दिक्कत थी, अल्ट्रासाउंड कराया उसमें पता लगा कि फाइब्रॉइड है. मोर देन 50, 60, 70% आई कैन से दैट पेशेंट्स में ये हो रहता है कि दे आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम एंड उनको ये बाद में पता चलता है कि मुझे ये फाइब्रॉइड था. कुछ पेशेंट्स में ये होता है कि सिम्टम्स हो जाते हैं. तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के, मुझे लगता है आप सबको पता है, लेकिन आई वुड लाइक टू डिस्कस कि रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम क्या दिक्कत हो सकती है. तो एज यू ऑल नो दैट पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, ड्यूरेशन कैसा है, उसका इंटरवल कैसा है, उसमें पेन है, एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं. अदर देन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम समटाइम्स पेशेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, और यू कैन से दैट कभी पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी होती है. कभी ये तब होगी जब पेशेंट्स को प्रेशर सिम्टम्स होंगे. अदरवाइज पेशेंट्स मे हैव ओनली पेन समटाइम्स, कभी कभी. तो पेन किस कंडीशन में होती है? पेन तब होगी जब व्हेन यूट्राइन फाइब्रॉइड इज पेडंकुलेटेड. पेडंकुलेटेड यानी उसका कोई बेस है और वो रोटेट हो गया, तो वहां की ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, तब उसको पेन होगी. पेडंकुलेशन उसमें होगा इनर साइड कैविटी में होगा, कैविटी वाला फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड पॉलिप जिसको बोलते हैं वो होगा, या तो सबसीरोजल है यानी यूट्राइन वॉल की बाहर की साइड है, तब पेशेंट्स को ये फाइब्रॉइड जो है ट्विस्ट होकर पेन करेगा. अदरवाइज पेशेंट्स मे नॉट हैव पेन. या तो जो रीजनरेशन हो जाती है, तो रेड डिजनरेशन जब होगी पेशेंट की, देन ओनली पेशेंट विल हैव पेन. एंड सिम्टम्स मे रिलेटेड टू द साइट ऑफ द फाइब्रॉइड, कौन सी जगह में फाइब्रॉइड है, एंड साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, कितना साइज फाइब्रॉइड का हो गया है. साइट यानी कई बारी वो फंडस में होता है, कई बारी वो लोअर कैविटी में होगा, कई बारी सर्वाइकल एरिया में होता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट्स हैव सिम्टम्स. समटाइम्स फाइब्रॉइड इज नियर बाय कॉर्नियल एंड ऑफ द यूट्रस, तो वहां पर हो जाता है जहां फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस की कनेक्शन हो रहा है, तो वहां कई बार फाइब्रॉइड होगा, तो पेशेंट को पेन होगी या कोई सिम्टम्स हो. एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू साइज, समटाइम्स पेशेंट्स आर हैविंग सिम्टम्स अगर उसके फाइब्रॉइड का साइज 4-5 सेंटीमीटर इससे बड़ा हो गया तो, अदरवाइज नहीं भी होता है. एंड पेशेंट्स आपके पास साइलेंट यूट्राइन फाइब्रॉइड लेकर आती है, तो उस समय व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू एडवाइज. एंड इफ पेशेंट इज ट्राइंग फॉर कंसेप्शन या फर्टिलिटी इश्यूज लेकर आती है, आपने रूटीन एग्जामिनेशन कराया एंड पेशेंट को फाइब्रॉइड है, तो व्हाट कैन बी डन, क्या पेशेंट को फर्टिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है यूट्राइन फाइब्रॉइड, तो मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि ट्रीटमेंट किया, कंसीव हो गई, विद फाइब्रॉइड पेशेंट की डिलीवरी भी हो जाती है, ऐसा भी होता है. तो सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है, बट साइट उसका क्या है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू एंड प्रेशर सिम्टम्स, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन रिलेशन टू यूट्राइन फाइब्रॉइड. अदरवाइज फाइब्रॉइड इज नॉट वेरी मच सीरियस इश्यू. पेशेंट को फाइब्रॉइड कभी कार्सिनोमा में कन्वर्ट नहीं होता है, मोस्टली कार्सिनोमा में नहीं कन्वर्ट होगा, अदर देन की पोस्ट मेनोपोजल फीमेल में फाइब्रॉइड है एंड इट इज सार्कोमेटस. सार्कोमेटस फाइब्रॉइड ही सिर्फ जो है वो कन्वर्ट हो सकता है कार्सिनोमा में, अदरवाइज फाइब्रॉइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू दी कैंसर. तो इतना हम पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप मेडिसिन खा सकते हो, इसमें कोई कैंसर का डर नहीं है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू दी ट्रीटमेंट. ये होता है कि पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन वालों के पास जाते हैं तो दे डायरेक्टली टेल कि कुछ नहीं होगा, आप इसको रहने दीजिए, या तो ये बोलते हैं या तो इसकी सर्जरी करा दीजिए. दे डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर दिस. सो पेशेंट्स आर कमिंग टू अस कि क्या हमें इसमें क्या करना है. एंड सेकेंड थिंग कि ये किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है.
प्रीवियसली व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्क इन दिस फील्ड, तब मैंने देखा था कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स, 35 या 40 के आसपास के पेशेंट्स में यूटराइन फाइब्रॉइड होता था, बट नाउ यंग गर्ल्स आर कमिंग टू अस विद द रिपोर्ट्स ऑफ यूटराइन फाइब्रॉइड हु आर हैविंग एज ऑफ 18 इयर्स, 19 इयर्स, 20 इयर्स, उस एज ग्रुप में भी यूटराइन फाइब्रॉइड हो जाते हैं. तो व्हाट कैन बी द कॉजेटिव फैक्टर्स? सम कॉजेटिव फैक्टर्स लाइक दैट कि अनअवॉइडेबल एंड सम आर अवॉइडेबल. अवॉइडेबल कॉजेटिव फैक्टर्स जो है वो ये है कि उसका लाइफस्टाइल जो वो खुद अपने कंट्रोल में है कि क्या उसको खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो उसके अपने कंट्रोल में है. सो दीस आर कंट्रोलेबल और अवॉइडेबल कॉजेटिव फैक्टर्स. एंड अनअवॉइडेबल कॉजेटिव फैक्टर्स व्हाट आई हैव सीन उसमें ये रहता है कि मोबाइल रेज या रेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस. कंप्यूटर सबके घर में है, सबके ऑफिसेस में है, आप कहीं भी जाओ, किसी भी शॉप में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बस में है, ट्रेन में है, फ्लाइट में, आपके आसपास मोबाइल्स इन थाउजेंड्स आर देयर एंड ऑल द मोबाइल्स आर हैविंग देयर रेज एंड दीज रेज आर अनअवॉइडेबल. सो दीज फैक्टर्स आर अनअवॉइडेबल. अवॉइडेबल फैक्टर्स में एक और है, दैट इज प्लास्टिक. मिक्स उसको मैं मिक्स में लेती हूँ कि अवॉइडेबल भी है, अनअवॉइडेबल भी है. अनअवॉइडेबल ये है कि सुबह आप उठते हो, ब्रश लेते हैं, उसमें प्लास्टिक है. पानी की आपके घर में टैंकी है, वो भी प्लास्टिक की है. प्रीवियसली वॉज की जो सीमेंटेड टैंक्स होते थे, बट नाउ कि सीमेंटेड टैंक्स लीक होते थे, वो धीरे धीरे कन्वर्टेड इंटू प्लास्टिक टैंक्स एंड नाउ वाटर सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम प्लास्टिक टैंक. सेकेंडली प्रीवियसली के जो वाटर पाइप्स थी दैट वॉज ऑफ मेटल एंड नाउ दोज पाइप्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू प्लास्टिक पाइप्स. जो भी आप फूड मटेरियल लाते हो या कुछ भी पैकिंग मार्केट से आती, ईच एंड एवरी पैकिंग इज इन प्लास्टिक. वाटर बॉटल्स आर ऑफ प्लास्टिक्स. आप कुछ भी ग्रेन्स लेते हो, आटा लेते हो, कुछ भी मटेरियल घर पे आता है, एवरीथिंग इज ऑफ प्लास्टिक एंड दिस प्लास्टिक इज हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स अपॉन द सिस्टम. वी कैन से दैट होल सिस्टम और होल बॉडी एंड दैट कैन हार्म टू फीमेल, जो कि उसके बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि जिस वजह से इस प्रकार के ग्रोथ डिसऑर्डर्स, मेनी ग्रोथ डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन, जैसे कि फाइब्रोइडिनोमा है, ओवेरियन सिस्ट है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है. नाउअडेज ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग वन ऑफ द ग्रोथ डिसऑर्डर्स आउट ऑफ दिस. सो इट इज वेरी, आई कैन से दैट एपिडेमियोलॉजी वालों को भी ये प्रॉब्लम है कि एपिडेमिक हो रहा है एवरीथिंग, की ग्रोथ डिसऑर्डर्स आर कॉमन इन ईच एंड एवरी पर्सन. वन ऑफ दैट इज यूट्राइन फाइब्रॉइड. एंड वॉट इज फाइब्रॉइड? फाइब्रॉइड इज एक जो सेल होता है यूट्रस का, जो तीन लेयर है, इनर इज एंडोमेट्रियम, मिडल इज मायोमेट्रियम एंड एक्सटर्नल लेयर. तो मायोमेट्रियल लेयर जो है, मस्कुलर लेयर जो है, उसका एक सेल, उसमें क्या होता है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड दैट सेल इज ग्रोइंग इनॉर्मसली, एकदम बड़ा हो जाता है एंड दैट इज नोन एज यूट्राइन फाइब्रॉइड. आप जब रिपोर्ट्स देखते हो तो उसमें दो टाइप की रिपोर्ट आती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड सेकेंड वन इज फाइब्रॉइड यूट्रस. व्हाट इज द डिफरेंस? ह्यूज डिफरेंस उसमें है. यूट्राइन फाइब्रॉइड इट मीन्स के वन सिंगल सेल जो है दैट इज ग्रोइंग इनॉर्मसली. फाइब्रॉइड यूट्रस में होल ऑफ द यूट्रस, होल द मास ऑफ द यूट्रस, और यू कैन से मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज ग्रोइंग इनॉर्मसली. तो पूरा का पूरा यूट्रस जो है वो एनलार्ज हो जाता है, दैट इज फाइब्रॉइड यूट्रस. तो बोथ द कंडीशंस आर डिफरेंट. यू कैन ट्रीट यूट्राइन फाइब्रॉइड इजीली बट नॉट फाइब्रॉइड यूट्रस वेरी इजीली. ठीक है, फाइब्रॉइड यूट्रस अगर है तो उसमें आप यू हैव टू बी कॉशियस कि नाउ आई हैव टू ट्रीट दिस पेशेंट विद डिफरेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट. एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड सिंगुलर है, सिंगल है, सेल है, हो सकता है एक, हो सकता है दो, हो सकता है बहुत सारे उसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड पेशेंट्स. तो ट्रीटमेंट ऑफ दोज यूट्राइन फाइब्रॉइड मे गिव रिजल्ट इजीली और अर्ली, बट फाइब्रॉइड यूट्रस समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम लाइक हैवी ब्लीडिंग टू द पेशेंट. होल ऑफ द यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, पूरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होगी, तो फाइब्रॉइड यूट्रस में सिम्टम्स जो है पेशेंट्स को
ज्यादा होंगी, उसको प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होगी. एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड में जैसे मैंने कहा कि इट इज सो मेनी टाइम्स एसिम्टोमेटिक, समटाइम्स इट क्रिएट्स सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स टू पेशेंट. नाउ थोड़ा सा मैं स्लाइड्स बनाई थी, मुझे जितना टाइम लगा था, तो आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन. थोड़ा मैंने जो भूमिका आपको बताई उसके हिसाब से नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन एंड लेट मी नो इट इज विजिबल टू यू ऑल और नॉट. Is it visible? It's visible. Yeah, yes. Is it visible? So I will convert into slide. So if I will be able to do. ठीक है, स्लाइड शो में नहीं जा रहा. आई विल गो विद दिस, चलेगा ना? यस मैम, यस मैम. या सो यस, जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज फाइब्रॉइड. स्मूथ मसल सेल है जो यूट्राइन मस्कुलेचर है, मिडल लेयर जो है यूट्रस का, उसमें ये हो रहता है. और इसका साइज जो है वो डिफरेंट साइज आपको मिलता है, उसका साइज चेंज होता जाता है. जैसे मैंने इसमें पिक्चर में लिया है, इज इट विजिबल पिक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ दी फाइब्रॉइड्स. यू कैन सी दैट्स एप्पल सीड. एक एप्पल सीड जो होता है छोटा सा, उतने साइज का भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है उससे, क्रैनबेरी साइज 2 सेंटीमीटर, उसके बाद नींबू के साइज का, पीच के साइज का, लेमन के साइज का, मैंगो एंड अ ह्यूज दैट इज ऑफ वाटरमेलन साइज. अब आजकल जो है इतने बड़े साइज के फाइब्रॉइड नहीं मिलते हैं वाटरमेलन साइज के, क्योंकि पेशेंट्स आर हैविंग स्कैनिंग अर्लियर एंड ड्यू टू दैट पेशेंट आर नॉट हैविंग दिस मच साइज ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड. सो दिस फाइब्रॉइड कैन अराइज फ्रॉम सिंगल सेल, जो मैंने आपको बताया कि दिस इज वन सिंगल सेल एंड फ्रॉम दिस सिंगल सेल फाइब्रॉइड इज इन दिस सेल इज इंक्रीजिंग एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूट्राइन फाइब्रॉइड. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका मैंने पैथोलॉजी जो है दैट इज दिस इज नॉर्मल मैम्बिट्रियल सेल एंड देन इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रॉइड. क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स है उसमें जो मैंने आपको बताया था, वी कैन से दैट प्लास्टिक है, डिफरेंट रेज है, पॉलिटन्स है, या डायट्री चेंजेस है उसका. दोज ऑल द चेंजेस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोलिफरेशन ऑफ दिस सेल एंड इस प्रकार से वो सेल बड़ा होकर यूट्राइन फाइब्रॉइड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज सेकेंड वन कि ये क्या, इसको सेकेंड जो इसका दूसरा नाम है दैट इज लियोमायोमा. ठीक है, एंड लियोमायोमा समटाइम्स इसका रूट जो है दैट इज जेनेटिक ऑल्सो. जैसे पेशेंट्स मेन कम्स टू अस वी आस्क दैट आपके फैमिली में किसी को है क्या नहीं, तो वहां भी ये हमें मिलता है कि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री अगर है तो भी आपको ये जो है फाइब्रॉइड पेशेंट में मिलेगा. तो वॉट आर द रिस्क फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज एज. एज आई हैव डिस्कस्ड कि प्रीवियसली इट वॉज लाइक दैट कि पेशेंट की एज ज्यादा है तो होगा, लेकिन नाउ अ डेज इट इज बीइंग चेंज्ड. पैरिटी इज आल्सो, प्रीवियसली इट वाज ऑफ कंसर्न बट नाउ अ डेज किसी में भी ये फाइब्रॉइड मिलता हुआ मैंने देखा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड रहता है. तो पैरिटी नाउ अ डेज आई से दैट इट इज नॉट ऑफ वेरी मच कंसर्न इन रिलेशन टू यूट्राइन फाइब्रॉइड. यस, फैमिली हिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट due to genetic factors. Menarche is also related to uterine fibroid. Early menarche jinko hai unko bhi ho sakta hai, aur late menarche unko so many times chances kam milte. And weight jinka jyada hai, jisko ki hum bolte hai ki medh vah mans vah srutas ki drushti jisme jyada hai, to modern pharmacology bhi yehi bolti hai ki jinka weight jyada rehta hai unko uterine fibroid jyada ho sakta hai. डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन कैन बी रिलेटेड एंड नॉट कैन बी रिलेटेड. ये कॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. नाउ जेनेटिक बेसिस, जो मैंने बात कही कि ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोजोम 12 एंड 14, ट्राइजोम 12, रीअरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम 6 एंड क्रोमोजोम 10 एंड डिलीजन ऑफ क्रोमोजोम 3 एंड क्रोमोजोम 7. दीज ये जो भी रिसर्च हुई यूट्राइन फाइब्रॉइड के ऊपर, एंड आउट ऑफ दोज रिसर्च दिस कंक्लूजन हैज बीन अचीव्ड कि इस प्रकार का जेनेटिक बेसिस जिनका रहता है उनको, उन पेशेंट्स में आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो मिल सकता है.
ठीक है. एंड सिम्टम्स एज आई टोल्ड यू दैट सो मेनी टाइम्स पेशेंट्स आर नॉट हैविंग सिम्टम्स. समटाइम्स पेशेंट्स मे हैव हैवी एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स. बट मैंने जो एरिया वाइज देखा है कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन हिमाचल प्रदेश इन दैट एरिया पेशेंट्स वेर हैविंग हैवी एंड प्रोलॉन्ग पीरियड विद यूटराइन फाइब्रॉइड. बट व्हेन आई वाज वर्किंग इन जामनगर वहां पेशेंट्स वेर कमिंग विद यूटराइन फाइब्रॉइड विद इम्यूनोरिया एंड स्केंटिक पीरियड्स. दिस डिफरेंट पिक्चर आई हैव सीन इन पेशेंट्स इन डिफरेंट एरियाज. एंड इन व्हेन आई एम वर्किंग ओवर दिल्ली आई एम हैविंग both of the mixed picture in the patient. Sometimes patients are having amenorrhea, scanty periods with uterine fibroid. And sometimes patients are having heavy bleeding with uterine fibroid. Both the features are seen in this area in Delhi. But in Himachal Pradesh, that was Sheet Pradesh, I think, because of that patients were having heavy periods. And in Ushna Pradesh or Jungle Pradesh, patients were having scanty periods and amenorrhea. Pelvic pain and pressure may be due to increased size of the fibroid. Fibroid ka agar size chota hai to patient ko pain nahi hogi, pressure symptom nahi honge. But as and when size fibroid ka badhta hai, 4 cm, 5 cm, 6 to 7, usse bhi badhta jayega, to patients will feel frequent urination. Bar bar usko urine tears hogi, back pain hoga. डिस्पेरुनिया पेशेंट को हो जाएगा. ठीक है. वाई बैक पेन? बैक पेन क्यों होता है? व्हेन फाइब्रॉइड इज देयर इनसाइड द यूट्रस एंड देन दैट फाइब्रॉइड, जैसे कि हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण है, वजन है, तो हैवी हो जाता है यूट्रस, तो दैट यूट्रस इज गोइंग डाउन एंड ड्यू टू ड्रैगिंग ऑफ दैट यूट्रस इन साइड द पेल्विक कैविटी लोअर डाउन जब होता है तो लिगामेंटल जो है वहां पर उसको स्ट्रेचिंग होने की वजह से पेशेंट में फील लो बैक पेन. और जैसे जैसे फाइब्रॉइड का साइट नीचे की तरफ आता जाता है, सर्वाइकल एरिया की तरफ जाता है, तब पेशेंट्स को बैक पेन ज्यादा होगा. अदरवाइज पेशेंट मे नॉट हैव बैक पेन. सो दीज आर दी थ्री लोकेशंस ऑफ दी फाइब्रॉइड. सब म्यूकोजल जो कि यूट्राइन कैविटी की तरफ होगा तो दैट इज नोन एज सब म्यूकोजल. बाहर की तरफ सॉरी ये इसमें होगा मस्कुलर टिश्यू जो मायोमेट्रियम में, तो दैट इज नोन एज इंट्राम्यूरल. एंड बाहर की तरफ जब आ जाता है तो सब सीरोजल फाइब्रॉइड. तो दिस वन इज, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, लेकिन ये कैविटी की तरफ है, सो इट इज नोन एज सब म्यूकोजल एंड इट इज नोन एज सब. सब मतलब कि नीचे, म्यूकोसा के नीचे है तो सब म्यूकोजल, सीरोजा के नीचे है तो दैट इज नोन एज सब सीरोजल. ठीक है. तो दिस तीन टाइप के आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड मिलेंगे. रिपोर्ट्स में आप देखते होंगे कि पेशेंट्स जब यूएसजी करा के आते हैं तो उसमें रिपोर्ट मिलती है कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है, इंट्राम्यूरल है, सब सीरोजल है. एंड जब सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड रहता है ना, तब पेशेंट्स विल हैव सो मेनी टाइम्स हैवी ब्लीडिंग. थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स साइट के हिसाब से चेंज होते जाते हैं. जैसे कि सब म्यूकोजल, इसके हम टाइप्स बताते हैं, 0, 1 एंड 2. इंट्राम्यूरल अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है तो दैट इज नोन एज लेस देन 50%, और अंदर की तरफ जाता है सब म्यूकोजल तो दैट इज मोर देन 50%. ठीक है. समटाइम्स जैसे कि प्रीवियस पिक्चर में बताया गया, दिस इज पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड. ऑलवेज ऐसा नहीं रहता है पेडंक्यूलेटेड, समटाइम्स इट इज पेडंक्यूलेटेड यूट्राइन फाइब्रॉइड. एंड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड में मोस्ट कॉमनली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, फर्टिलिटी इश्यूज होंगे बिकॉज एंडोमेट्रियम इज इन्वॉल्व. एंडोमेट्रियम इज इन्वॉल्व तो इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है पेशेंट को, और प्रेगनेंसी में भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है. एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी यूट्राइन फाइब्रॉइड मे ऑब्स्ट्रक्ट द डिसेंट ऑफ द फीटस. एज इन मेन साइज ऑफ द फाइब्रॉइड इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग लेबर, इट कैन हैव obstruction of the descent of the baby. Intramural fibroid. Intramural यानी muscular, जैसे मैंने बोला कि ये होता है, लेकिन उसमें symptoms change हो जाएंगे, patient को pain होगी, irregular periods हो जाएंगे और uncomfortable feel करेगी patient, बोलेगी मुझे भारीपन हो रहा है, पेट में कुछ लग रहा है कि कुछ है, गैस बनती है. समटाइम्स पेशेंट्स को ये होता है कि रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद उसको सिम्टम्स लगते हैं कि मुझे
ये प्रॉब्लम हो रही है. अदरवाइज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स मे हैव नो सिम्टम्स. एंड सब सिरोजल आई हैव सीन दैट सो मोस्टली नो सिम्टम. आउटसाइड वॉल है, यूट्रस की ऊपर की तरफ है, तो उसमें कोई पेन नहीं होगा. बट इफ इट इज पेडंकुलेटेड एंड ट्विस्टेड हो गया तो पेशेंट को सीवियर पेन होगी एंड वो इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है. ठीक है. एंड ब्लैडर की तरफ है तो इट कैन प्रेशराइज द ब्लैडर एंड पेशेंट को यूरिन पास करते समय दिक्कत हो सकती है. ठीक है. तो दिस वॉज द कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फाइब्रॉइड्स. आई मैंने आप बता दिया आपको सब म्यूकोसल है, इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ पे हैम्पर करेगा. एंड फर्टिलिटी इश्यूज जब फाइब्रॉइड इज टूवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब, वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी. आपके पेशेंट में फर्टिलिटी इश्यूज होंगे जब इनफर्टिलिटी पेशेंट में यूट्राइन फाइब्रॉइड होगा जो कि फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करता है, तब. अदरवाइज पेशेंट मे नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन कंसेप्शन. नाउ इफ यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आगे क्या होगा? आपके पास पेशेंट नहीं आई है या आ गई है तो व्हाट कैन बी द कंसीक्वेंसेस? बिकॉज इट कैन रिमेन फॉर इयर्स, फॉर सालों तक रहता है ये फाइब्रॉइड जो है, तो उसमें क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं? तो दैट फाइब्रॉइड कैन एट्रोफाइड, फाइब्रॉइड कैन हैव नेक्रोसिस, फाइब्रॉइड कैन कन्वर्टेड इंटू डीजनरेशन. डिफरेंट टाइप की हो सकती है. हाईलैंड डीजनरेशन होती है, रेड डीजनरेशन हो सकती है, कैल्सिफिकेशन हो सकती है, उसमें डिफरेंट टाइप की डीजनरेशन हो सकती है. मैलिग्नेंस इज रेयर. इन्फेक्शन हो सकता है, टॉर्जन हो सकता है, जो मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. एंड इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, यस, बिग साइज का फाइब्रॉइड है, नॉर्मल मल्टीपेरा है और उसको फाइब्रॉइड है. फंडस में था फाइब्रॉइड, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ डिलीवरी कराने में, डिलीवरी हो गई एंड अलोंग विद दैट बाद में उसका इन्वर्जन हो सकता है, वो उल्टा होके यूट्रस को बाहर लेके आ सकता है. ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. फॉर डायग्नोसिस पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड करा के आती है. मैक्सिमम टाइम्स आई हैव सीन, आई कैन से 99% पेशेंट्स मेरे जो है अल्ट्रासाउंड करा के आते, मेरे आगे रख देते, मैडम मुझे तो यूट्राइन फाइब्रॉइड है. So this is very common methodology of diagnosis of the uterine fibroid. Sometimes patients jo hai MRI kara ke aate hain. Last week hi mere paas ek ladki aayi thi jisko, she was having menstrual problem, severe dysmenorrhea. USG karate the, usme kuch bhi nahi aata tha. And once unhone MRI karaya to MRI mein bahut bada cervical fibroid hai, usko 6-7-1 cm jo ki ultrasound mein nahi dikha tha. HSG में आपको पता चल जाता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है पेशेंट को. हिस्टोसोनोग्राफी भी करा, हिस्टोस्कोपी भी करा सकते हैं पेशेंट की, लेप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं, बट नाउअडेज इनकी जरूरत नहीं पड़ती है लेप्रोस्कोपी की. इफ यू फाइब्रॉइड इज सब सिरोजल देन ओनली यू विल नीड लेप्रोस्कोपी, अदरवाइज लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं होती है. अब हम इसको अपनी मेथोडोलॉजी में, ट्रीटमेंट तो हमने करना है, what we have to do for that, क्या हम समझेंगे and how we can diagnose, कैसे हम diagnosis करेंगे कि ये patient मेरे पास आई है, now I have to give the treatment to my patient. So what I do, that is identification of the dosh. Specifically cuff dosh is there because growth है, रीजनरेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है सेल्स की, तो कफ इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस केसेस. अलोंग विद कफ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा दोष है, वायु है, पित्त है, क्या है. ब्लीडिंग ज्यादा है तो समझ जाइए पित्त है, अदरवाइज पित्त इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है. अपान वायु का स्थान है तो वायु है, तो वायु को भी आपको ध्यान में लेना है ना. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी डिसाइड द ट्रीटमेंट for the patients. And treatment decide करने से पहले what we have to take into consideration, patient की age देखते हैं, symptoms देखेंगे, क्या वो conceive होना चाहती है नहीं चाहती है, उसका weight कितना है, प्रकृति कितनी है और स्रोतस कौन सा involved है. ये common मेरे हर patient में रहता है कि I identify this and this things in my patients, कि उसका दोष देखेंगे
दोष के साथ कौन सा स्रोत इन्वॉल्व है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड. जैसे कि हम क्षेत्र शुद्धि करते हैं, खेत किसान साफ कर रहा है तो उसमें ये वीड आ गया है, घास आया है तो उसको निकालता है, तो यानी आपको इसको भी निकालना ही है. तो चाहे आप शमन से निकालिए, चाहे शोधन से निकालिए, चाहे लेखन से निकालिए, बट दैट शुड बी रिमूव्ड. यूट्राइन फाइब्रॉइड को कभी भी उसमें रखा नहीं जाता है, दैट शुड बी रिमूव्ड बाय मेडिसिन, बाय थेरापीज, बाय सर्जरी. उसमें वॉट वी हैव टू एडवाइज दैट इज चेंज इन डायट, लाइफ स्टाइल, सम मेडिसिन एंड सम पंचकर्म थेरापीज. सो वेरी कॉमन इज अशोक. सब लोग यूज करते हैं कि पेशेंट्स आई है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो उसको अशोक दे देंगे. लेकिन अशोक क्या करता है? तो अशोक का जो मैंने बहुत सारी स्टडीज जो उसमें पढ़ी है और काम देखा है, उसमें एक ऐसा उसमें हम बोल सकते हैं कि इंग्रेडिएंट है, या बोल सकते हैं कि उसका केमिकल कंपाउंड है, दैट इज कीटोस्टेरॉल. कीटोस्टेरॉल अगर उसमें है तो वो कीटोस्टेरॉल जो है वो उसकी ग्रोथ को रोकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ को रोकता है, और दैट इज यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ. इफ पेशेंट को मेनोरेजिया है और पेन है तो हम इसको यूज करते हैं अशोक. पहले मैं थोड़ा थोड़ा सिंगल ड्रग के बारे में डिस्कस करूंगी, देन आई विल जंप इनटू द कंपाउंड थेरापीज. कंसेप्चुअल पार्ट में नहीं ले रही हूं क्योंकि इसको सो मेनी टाइम्स कुछ लोग ग्रंथि के साथ जोड़ते हैं, कुछ अर्बुद के साथ, बट व्हेन आई थिंक अबाउट यूट्राइन फाइब्रॉइड आई कंसिडर इट एज ग्रंथि. ग्रंथि इसलिए कि इट इज अ कैप्सुलेटेड. जब सर्जरी करते हैं ना, जब मायोमेक्टमी, अगर आपने देखी हो किसी ने, तो मायोमेक्टमी करते हैं तो तब देखते हैं कि इट इज एनकैप्सुलेटेड ग्रोथ, एक कैप्सूल के अंदर है. कैप्सूल के अंदर इट मींस कि इट इज अ ग्रंथि, ठीक है. वो ऐसे इधर उधर नहीं फैला रहता है, पूरी अपनी एक बाउंड्री के अंदर ये सेल रहता है, एंड इट इज गेनिंग न्यूट्रिशन थ्रू द ब्लड वेसल्स कमिंग टूवर्ड द यूट्रस. तो यूट्रस की तरफ जो ब्लड वेसल्स आ रही है उससे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है. अब दोष हमने देखा कि कफ है, लेकिन ग्रंथि में उन्होंने सारे प्रकार बता दिए, और उसमें बताया वातादयो, तीनों दोष आते हैं. संप्राप्ति थोड़ी सी मैं बता देती हूँ, फिर आई विल जंप टू दी सिंगल ड्रग्स. मुझे एकदम से ध्यान आया कि ग्रंथि के बारे में थोड़ा बता दू. वातादयो मानसम असरुच दृष्टा, तो इसमें सबसे पहली धातु दृष्टि क्या हुई? मांस. उसके बाद रक्त, फिर मेद, ये बता दिया. इट्स वेरी टिपिकल संप्राप्ति जिसको हम बोलते हैं कि वातादयो, वायु आदि दोष तो है, लेकिन सबसे पहला मांस को दृष्टि करते हैं. तो मायोमेट्रियम क्या है? मांस दृष्टि हुई है. जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड बनता है, पेशेंट को कभी भी एकदम से ब्लीडिंग नहीं होती है, बाद में असरिक दृष्टि हुई है. बाद में जब रक्त दृष्टि होती है, देन ओनली पेशेंट विल हैव हैवी ब्लीडिंग या एमिनोरिया, जो भी है वो लेटर ऑन होता है. तो कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में है कि वातादय मांस असरिक दृष्ट, मांस दृष्टि हुई, फिर असरिक दृष्टि हुई, फिर मेद दृष्टि, संदुष्य मेद चतथा शिरा च, बाद में शिरा में जाएगा, मांस के बाद रक्त, रक्त के बाद मेद, फिर शिराओं में जाएगा, और उससे फिर ग्रोथ जो होगी वृत्तम. वृत्तम यानी एक बाहर की तरफ उभरा हुआ, एक उभार है. जो मैंने दिखाया आपको कि यूट्राइन फाइब्रॉइड अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, कुछ भी है, लेकिन एक उभार आ गया है, ठीक है. विग्रथितम यानी एक कैप्सुलेटेड ग्रोथ है. तो दैट इज, मैं इसलिए इसको ग्रंथि के साथ इसको कोरिलेट करती हूँ कि यूट्राइन फाइब्रॉइड इज लाइक ग्रंथि. ग्रंथि के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, और ग्रंथि की चिकित्सा में सबसे पहली ट्रीटमेंट विरेचन बताई है. तो बोलते हैं ना कि कफ दोष है, इवन देन हम फाइब्रॉइड में विरेचन क्यों करते हैं, वमन क्यों नहीं कराते? तो ग्रंथि की चिकित्सा में ही, चिकित्सा सूत्र जो बताया उसमें ही बताया कि विरेचन अभ्यंग और निरुबस्ती और उसका लेपन. That's why when we give लेखन बस्ती और योग बस्ती और निरु बस्ती, तो हमें इसमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है. तो उस हिसाब से फिर भी सिलेक्ट द ड्रग्स. इसमें सबसे पहला, जैसे मैंने बोला कि अशोक ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स उसके साथ में है, तो यू कैन सिलेक्ट द अशोक. देन काचनार, काचनार इज हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी. बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई है, सब लोग जानते हो, कहीं भी ग्रोथ है आप काचनार देते हो, सब लोग देते हैं. तो
इसमें दे सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। निन वरुण, वरुण पे भी बहुत सारा काम हुआ है, जो काशनर गूगल है उसमें भी वरुण पड़ा हुआ है। अलग से आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, अनुपान के रूप में अगर आप वरुण आदि कषाय देंगे तो भी इसमें ज्यादा आप उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। तो वरुण की जहां बात है उसमें देखिए आपने बताया कि निहंति गुल्म वाताश्र, ठीक है, गुल्म की चिकित्सा जो है वरुण जो है वो उसमें बेनिफिशियल रहता है। आगे बताया कि भेदी श्लेष्म कृच, श्लेष्म के कारण जो वहां पर कलेक्शन हुई है उसका भेदन करके उसको हटाएगा। अश्म मारुतान, अश्मरी में भी काम करता है, और जो कलेक्शन या क्लेद का संशोषण हुआ है, क्लेदन हुआ है या जमा हुआ है उसको भेदन करके रिमूव करेगा। और गुल्म की चिकित्सा में जो है वो कुल निहंती गुल्म जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से उसको हटाए। कैसे? अग्नि दीपन सबसे पहला काम करता है वो अग्नि दीपन। रोगा सर्वे भी मंदेग्न, मंदाग्नि की वजह से कलेक्शन हुई है, श्रोतुरुद्ध हुआ है, तो यहाँ अग्नि दीपन करने के बाद भेदन करके वो गुल्म की चिकित्सा करता है। वरुण इज वेरी गुड, सब लोग यूज करते हैं काशना वरुणादि कषाय, एवरीबडी इज यूजिंग और इसको बेनिफिट मिलता है। शिग्रू, शिग्रू का प्रयोग मुझे नहीं लगता है कि कोई और करता था, मैंने ही इसको शुरू किया कि शिग्रू का प्रयोग भी हम लोग यूट्राइन फाइब्रॉइड में कर सकते हैं। तो यहां पर इसमें बताया कि श्वेतु, श्वेत है, मेद है, गुल्म है, गंड है, तो इन सभी में अगर शिग्रू काम कर रहा है तो क्यों नहीं यूट्राइन फाइब्रॉइड में काम करेगा। तो बाय दैट कंसेप्ट आई स्टार्टेड यूज शिग्रू गूगल एंड दैट गिव वेरी गुड रिजल्ट एंड नाउ उसके बाद जो मेरा पेपर पब्लिश हुआ उसके बाद तो बहुत लोग शिग्रू गूगल का प्रयोग करते हैं। तो शिग्रू का प्रयोग भी इसमें आप कर सकते हो और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी शिग्रू की भी है, बट उसमें अगर आपके आसपास शिग्रू है तो पेशेंट को क्या बोलेंगे कि कौन सा पार्ट इसका जो है इसमें बेनिफिशियल रहता है। जनरली हम क्या करते हैं कि शिग्रू की फलियां यूज करते हैं, उसके फूल की सब्जी बनाते हैं, वो खाते हैं, बट मीन यूट्राइन फाइब्रॉइड इज आप सोचते हो तो वहां उसका काम करता है शिग्रू के पत्ते, ठीक है। कई जगह पेशेंट्स को एक ही शिग्रू गूगल मैडम नहीं मिल रही है, हमारे आसपास शिग्रू है तो हम उसको ये बता सकते हैं उसके पत्ते तोड़ लीजिए, उसको छाया शुष्क कर लीजिए, उसका चूर पाउडर बना लीजिए और 2-3 ग्राम उसके पत्ते जो है सॉरी चूर्ण जो है पत्तों का वो भी अगर आप पेशेंट को देते हैं तो इट विल गिव बेनिफिट। तो शिग्रू के लीव्स में एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है, नॉट इन द स्टेम, नॉट इन द सीड्स, ठीक है। वैसे ही कुमारी, कुमारी का रेफरेंस भी जहां मैंने देखा तो उसमें भी हमेशा लिखा है भेदनी जयत एंड गुल्म प्लीहा यकृत वृद्धि, यकृत वृद्धि में काम करेगी, ग्रंथि में काम करता है, गुल्म में काम करता है। तो जहां पेशेंट्स को अग्नि मानते हैं, साथ में फैटी लिवर है, बहुत सारी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि फैटी लिवर भी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड भी है, तो वहां अगर आपको देना है तो यू कैन सिलेक्ट दी कुमारी, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। ये नहीं सोचेगा पेशेंट को कुमारी जो है उष्ण होगी, नहीं, ये बेनिफिट देता है यूट्राइन फाइब्रॉइड में, क्योंकि कफ इन्वॉल्वमेंट है ही है, कफ इन्वॉल्व है तो वहां पर ये काम करेगा कुमारी, जहां पेशेंट को फैटी लिवर है वहां पर। देन मंजिष्ठा, मंजिष्ठा को भी मैंने बहुत जगह यूज किया है इन द पेशेंट्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड है, चाहे ओवेरियन सिस्ट है, तो उसमें भी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है, उसमें से एक रिसर्च पेपर का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि मंजिष्ठा जो है एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रूबिया कॉर्डिफेलिया की ये एविडेंस बेस्ड है, तो इसको आप भी यूज कर सकते हैं, आराम से यूज करिए बिना चिंता के, इट विल गिव बेनिफिट टू योर पेशेंट। बट आप दोष आइडेंटिफाई कर लीजिए, जहां आपको लगता है पित्त दोष है वहां मंजिष्ठा का प्रयोग आप कर सकते हो। देन गोक्षुर, गोक्षुर का प्रयोग भी सब लोग करते हैं, उसकी भी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है गोक्षुर की, एंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट इन द पेशेंट्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। आपके पास शिग्रू गूगल नहीं है, काशनर पेशेंट खा चुकी है, यू कैन स्विच ऑन टू गोक्षुरादि गूगल, गोक्षुरादि गूगल विल गिव रिजल्ट टू योर पेशेंट। मुस्ता,
मुस्ता भी आप देते हो पेशेंट्स को? बहुत कॉमन कॉमन ड्रग्स जो मैंने सब लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, उसका ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो इजीली अवेलेबल हो, बहुत मुश्किल नहीं हो आपको कलेक्ट करने के लिए। तो मुस्ता का इफेक्ट जो है उसमें वहां पर देखा गया कि लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर फ्लेविनॉइड्स उसमें देखा गया। ये एक रिसर्च है कि जो कौन सा फैक्टर जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी के हिसाब से ट्यूमर एग्रेवेटिंग फैक्टर है, तो ट्यूमर एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को ये मुस्ता जो है रोकती है, यानी कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बहुत अच्छा रोल आता है मुस्ता का। अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की कि हाँ उसकी मदर को यूटराइन फाइब्रॉइड था, मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मदर लेके आती कि मुझे यूटराइन फाइब्रॉइड है, अब ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को यूटराइन फाइब्रॉइड हो जाए, तो क्या करेंगे मैडम आप थोड़ा बता दीजिए। उन पेशेंट्स को आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में अगर ऐसा लगता है कि उसका वेट गेन हो रहा है, कुछ ऐसा है, यूट्रस का साइज थोड़ा बिगर लग रहा है, थिकनेस लग रही है, तो वहां यू कैन गिव मुस्ता। सारीवा, सारीवा भी एक डिफरेंट पैथोलॉजी को ब्रेक करके इसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड में काम करती हैं। इट इनहिबिट दी प्रोटियोसम, जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो पैथोलॉजी है उसको एग्रीवेट करती है, उसको रोक कर एपोप्टोसिस करके, तो इसको सारीवा जो है वो काम करती है। हम लोग सब लोग यूज करते हैं, सारीवा को भी यूज करते हैं, मुस्ता को भी यूज करते हैं, सारे शोथर ड्रग है हमारी फार्माकोलॉजी के हिसाब से, बट दीज आर दी रिसर्चेस डन ऑन दी बेसिस ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। तो हमारी मेडिसिन जो है उस पे उन्होंने भी काम करके इसको प्रूव किया है कि दैट कैन गिव रिजल्ट इन टू दी यूट्राइन फाइब्रॉइड विद एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। देन मेथी, मेथी भी सब लोग जानते हो आप लोग की मेथी जो है वो काम करती है, और उसमें भी ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी मेथी में भी रहती है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है। तो पेशेंट को हम समटाइम्स अनुपान के रूप में भी देते हैं मेथी का पानी, कि आपने गोक्षुरादि गूगल दिया है तो उसका अनुपान आप कर दीजिए मेथी का पानी, तो आपके पेशेंट्स में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, दैट कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स। अब हर एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को मैं ये सोचती हूँ कि दिस इज साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। मैक्सिमम पेशेंट्स में जो भी प्रॉब्लम रहती है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज साइकोसोमेटिक, तो यू हैव टू गिव, यू हैव टू असेस कि कहीं स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से ये हुआ है। एंड बहुत सारे पेशेंट्स में मिलता है कि कोई डायटरी चेंज ऐसा नहीं है, पूरा डाइट प्रॉपरली ले रही फिर भी उसको हुआ है, वहां उन पेशेंट्स में वी कैन सी दैट स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द फाइब्रॉइड। तो वहां आपको कोई ना कोई जो ऐसा ड्रग देना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि उसके स्ट्रेस फैक्टर को रिलीज करे। तो ये पैथोलॉजी से जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से प्रोलिफरेशन होकर इस प्रकार से ग्रोथ होकर यूट्राइन फाइब्रॉइड बन जाता है। फाइब्रॉइड नहीं होगा तो फाइब्रोइडिनोमा होगा, नहीं तो ओवेरियन सिस्ट होगा। हर किसी में क्रॉनिक स्ट्रेस इज हैविंग पैथोलॉजी अप टू दी प्रोलिफरेशन ऑफ दी सेल्स। ठीक है, तो ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, उसमें नॉर्मल सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, बट कैंसर है उसमें एबनॉर्मल सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है। तो जहां नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन हुआ बाद में इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू एबनॉर्मल सेल्स, तो उसको पैथोलॉजी को रोकने के लिए वी कैन गिव सपोर्ट टू अवर पेशेंट। बहुत सारे इसमें मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस मिले थे, उसमें दो से तीन मैंने आई हैव कलेक्टेड ओवर हियर। जनरली मैं पीपीटी बनाती नहीं, बट ये सारे पिक्चर्स मुझे बताने थे तो आई हैव कलेक्टेड दिस एंड प्रिपेयर्ड द पीपीटी। तो ये इस प्रकार से जो है पेशेंट में डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजी से क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से भी ग्रोथ होकर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। तो इसके अलावा जो मैंने बताई अभी कुछ कुछ जो स्पेसिफिक जो सब लोग यूज करते हैं और मैं भी यूज करती हूँ, उसके अलावा जो शास्त्रोक्त मेडिसिन है या और लोग यूज करते हैं उनको भी मैंने यहाँ पर कोट किया कि वी कैन डिस्कस कि हाँ ये सब मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। उसमें है अश्वगंधा है, अनंतमूल है, आमलकी, त्रिफला, गुड़ुची है, शिलाजीत है, बहुत लोग यूज करते हैं, शिलाजीत देते हैं जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है, कुछ लोग जो है लहसुन दे देते हैं, कुछ यवानी का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत सारे सिंगल ड्रग्स जो है दैट कैन बी यूज इन पेशेंट्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। अब कास्ट ऑफ शदी से बेनिफिट नहीं मिला तो क्या करेंगे, उसमें फिर आप यू हैव टू जंप अप टू दी रस औषधि। उसमें बहुत सारे लोग हीरक भस्म का प्रयोग करते, मैं नहीं यूज करा है हीरक भस्म को,
लेकिन पुराने वैद्य लोग जो है वो हीरक भस्म यूटाइन फाइब्रॉइड में देते हैं, सुवर्ण भस्म भी देते हैं और बहुत सारी यहाँ रसौषधियां जो शास्त्रों में भी बताई है, प्रैक्टिस में भी है, सब लोग यूज करते हैं, वो मैंने यहाँ आई हैव कलेक्टेड। उसमें जो जो भी ये सारी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है आपके आसपास, तो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ रसौषधि इन योर पेशेंट्स। ठीक है, अर्केश्वर रस भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे रसौषधियां जो है वो शास्त्रों में हमारे लिखी गई हैं, दैट कैन बी गिवन, दीज आर दी रसायन। ये सारे रसायन भी आप दे सकते हो जहां आपको लगता है कि पेशेंट में डिजनरेशन स्टार्ट हो गई है, तो वहां यू हैव टू सिलेक्ट दिस टाइप ऑफ रसायन, एंड दिस रसायन आर इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। योगासन जो यूट्राइन फाइब्रॉइड में बेनिफिशियल रहते हैं उसमें मेन जो है, जो मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ्स के साथ लिए हैं और हम बताते हैं पेशेंट को, उसमें भुजंगासन है, धनुरासन और नौकासन, और साथ में पेशेंट को मार्जरासन इज वेरी गुड एंड सिंहासन, बलासन भी बताते हैं पेशेंट्स को और मुद्राएं भी जो है वो पेशेंट को बता, मतलब दिस इज सम टाइप ऑफ पैकेज। इसके अलावा सूर्य नमस्कार कुछ नहीं आपके पेशेंट कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार जो है आप पेशेंट को बता सकते हो कि सूर्य नमस्कार करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 से शुरू करिए, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाइए, और सूर्य नमस्कार के साथ भी पेशेंट का वेट भी कम होगा, उसके मेद व स्रोत की जो अवरोध है वो भी दूर होगा, एंड देन पेशेंट विल बी बेनिफिटेड। एंड विरेचन, जैसे मैंने बताया कि ग्रंथि की चिकित्सा में विरेचन बताया है, तो विरेचन आप पेशेंट में यूज कर सकते हैं, एंड विरेचन के लिए क्या ड्रग लेना वो पेशेंट टू पेशेंट वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या लेना है। उसमें अलग अलग प्रकार के घृत आप यूज कर सकते हो, जनरली इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहता है त्रिफला घृत, वरुणादि घृत, ये जो है उससे स्नेहन करा के फिर उसका विरेचन जो है पेशेंट का करा दिया जाता है। एक और जो घृत है दैट इज जिमुतक्यादि घृत, जिमुतक्यादि घृत भी बहुत लोग यूज करते हैं, उसको बनाया जा सकता है या बना सकते हैं। उसमें पड़ता है जिमुतक, कोशातकी, दंती, द्रवंती और निशोथ, त्रिवृत उसमें है, सारे शोथर है और विरेचक ड्रग्स है, तो जिमुतक्यादि घृत का प्रयोग भी इसमें फाइब्रॉइड में बहुत बेनिफिशियल रहता है, इसके साथ भी आप विरेचन जो है पेशेंट को करा सकते हो। बस्ती में हम लोग योग बस्ती भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लेखन बस्ती भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बस्तीज यू कैन एडवाइस टू योर पेशेंट, उत्तर बस्ती भी पेशेंट को आप बता सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू डिसाइड एज पर द प्रकृति ऑफ द पेशेंट कि मुझे इसमें कौन सा ड्रग सिलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मेद व स्रोतस की दृष्टि है तो उसके हिसाब से ड्रग सिलेक्ट करिए, आपको लगता है कि रक्त व स्रोतस की दृष्टि है ज्यादा तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करिए। बस्ती की सिलेक्शन के लिए किसी भी ड्रग से नहीं देना है बस्ती, फॉर दैट यू हैव टू डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ होल द हिस्ट्री, ऑल द सिम्टम्स, होल संप्राप्ति, आफ्टर दैट ओनली अगर बस्ती देते हैं तो फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड के केसेस में। उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं, उत्तर बस्ती कुछ लोग काशी सादी तेल से देते हैं, कुछ क्षार तेल से देते हैं, कुछ वरुणादि तेल से देते हैं, बट उत्तर बस्ती जो है सीडलिंग फाइब्रॉइड में बेनिफिशियल रहती है, बिग साइज ऑफ फाइब्रॉइड में समटाइम्स नहीं बेनिफिशियल रहती है। अपामा क्षार तेल की उत्तर बस्ती भी बेनिफिट देती है, थोड़ा सा श्रिंक होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड उससे अपामा क्षार तेल उत्तर बस्ती से। कुछ डायटरी चेंजेस, अब ये कि पेशेंट को आपको डायटरी चेंजेस क्या बताना है, तुरंत आपसे पेशेंट पूछते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है अब मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, वहां यू हैव टू एडवाइज उसमें सारा कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियां बता दीजिए। कुकुरबिटेसी फैमिली इज हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, सब बता दीजिए, घिया लीजिए, परवल लीजिए, शिमला मिर्च लीजिए, शिमला मिर्च तो नहीं आती कुकुरबिटेसी में लेकिन हम बताते हैं घिया परवल है, अलग अलग प्रकार के जो परवल है, अलग अलग प्रकार की घिया तुरई है, वो सारी पेशेंट्स ले सकती हैं, और कुकुरबिटेसी फैमिली बहुत अच्छी हेल्पफुल रहती है, वो आपको बतानी है। कुछ पेशेंट्स आपके गोमूत्र पी के भी आते हैं, बोलते हैं मैं तो रोज गोमूत्र लेती हूँ, अब लेना है कि नहीं लेना है, तो वहां यू हैव टू एडवाइस टू योर पेशेंट्स अकॉर्डिंगली
क्लीन एंड क्लीन पेशेंट है, गोमूत्र पी रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो बंद करा दो। ओबीस पेशेंट है, हैवी वेट है, साइज ऑफ यू फाइब्रॉइड बड़ा है, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप दे सकते हो। अकॉर्डिंग टू पेशेंट यू हैव टू डू द चेंज ऑफ योर ट्रीटमेंट। ये जो मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी वो मैं यहाँ पर आपके सामने रखी है। नाउ वी कैन हैव डिस्कशन अपॉन दिस टॉपिक। जो जो भी आप लोगों के डाउट्स है तो उसके हिसाब से वी विल डिस्कस। थैंक यू।